अगर आपका भी कूलर का पंखा बहुत धीमा चलता है, हवा नहीं देता है, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही फ़ायदेमंद हो सकता है। इसके अंदर मैं आपको वो सारी जानकारी देने वाला हूँ जिसकी वजह से जो है हमारा कूलर धीमा चलता है, बिल्कुल हवा नहीं देता है। तो आइए दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीज़ें बताता हूँ। अगर आपका कूलर का मोटर धीमा चलता है या हवा नहीं देता है, ठीक है, सबसे पहले आपको उसके अंदर आपका जो कैपेसिटर होता है, जो कूलर के अंदर लगा हुआ होता है, अगर आपका छोटा कूलर है तो उसमें ढाई या सवा तीन पॉइंट पंद्रह का कैपेसिटर लगता है, ठीक है। अगर आपको ये जो मोटर आपको वीडियो में नज़र आ रहा है, अगर इस तरह की मोटर लगी हुई है बड़ी, तो उसमें 4 MFD और 5 MFD का कैपेसिटर लगता है, ठीक है। अगर उसके बाद अगर आपका मिनी सागर या सागर कूलर है तो उसमें 6 MFD 8 MFD 10 MFD का कैपेसिटर भी लगता है। वो डिपेंड करता है आपकी मशीन में, मोटर में कौन सा कैपेसिटर लगा हुआ है। पहला स्टेप तो ये हुआ कि आपको जो है सबसे पहले अपना मशीन का कैपेसिटर बदल के देखना है। अगर उससे रिपेयर हो जाता है तो ठीक है, वरना दूसरा स्टेप आपको ये करना है, जो आपका कूलर का जो टाटे लगे हुए होते हैं, जो घास लगी हुई होती है, ठीक है, जो टाट लगी हुई होती है, उन टाट को जो है रिप्लेस कर देना है। मतलब ये है आपको टाटे नए लगाना है। होता है कई बार अपने जो टाटे वो लगे हुए होते हैं उनमें कई बार डस्ट इकट्ठी हो जाती है, या जो बाहर से धूल मिट्टी उड़ के आती है वो टाटों पे चिपक जाती है, क्योंकि टाटों के ऊपर पानी चलता रहता है। पानी चलने से उसमें नमी आती है, गीलापन रहता है, जिससे रेत जो मिट्टी धूल मिट्टी जाती है वो टाटे पे चिपक जाती है और हवा जो है अंदर मोटर तक नहीं पहुँचती है, इसलिए हवा पास नहीं होती है तो हमें जो है हवा बराबर बाहर नहीं मिल पाती है। दूसरा स्टेप ये हुआ। तीसरा स्टेप में आपको करना क्या है, आपका जो ये मोटर होती है, ठीक है, ऊपर आगे की तरफ एक पंखा लगा हुआ था जो इस वीडियो में बता रहा हूँ, ये पंखा कई बार ख़राब हो जाता है। ये पंखा ख़राब होने की वजह से भी जो है हमारा पंखा धीमे धीमे चलता है, जो इस वीडियो में एक्चुअल बीमारी थी, ठीक है। इस वीडियो बनाने का पर्पज़ यही था, इस वीडियो में भी यही खराबी थी, ये जो हमारा जो कूलर का मोटर का जो फैन था प्लास्टिक वाला, वो एक्चुअल में वो घिस चुका था। घिसने की वजह से जो है हमारी जो है मोटर जो है हवा कम दे रहा था, वो आपको आगे वीडियो में बताऊँ किस तरह से होता है। बेसिकली ये तीन कारण ही होते हैं जो हमारा पंखा जो है धीमे चलता है, ठीक है। और चौथा कारण जो हमारा आगे का जो रेगुलेटर होता है या रिमोट आपके अगर कूलर में लगा हुआ है, वो रिमोट ख़राब हो सकता है या फिर रेगुलेटर ख़राब हो सकता है, जो कि तकरीबन 600 वाट या 1000 वाट 1500 वाट 2000 वाट अलग अलग आपकी मोटर की कैपेसिटी के हिसाब से आता है। वो आपको डायरेक्टली करके चेक कर लेना है, वह तक ख़राब नहीं है, ठीक है। और उसके अलावा भी अगर आपकी जो है कूलर धीमा हवा देता है तो आपको उसकी कंडीशन नोट करनी पड़ेगी। क्या आपका कूलर दिन भर धूप के अंदर तो नहीं पड़ा है, या ऐसी जगह पड़ा है जहाँ बिल्कुल भी उसको वेंटिलेशन के लिए जगह नहीं मिल रही है, या कमरा के अंदर रखा हुआ है जो कमरा बिल्कुल बंद पड़ा है, ठीक है। तो ऐसी जगह भी आपको नोट डाउन करना होगा कि आपका कूलर बिल्कुल हवा के अंदर हो, ठीक है, और बिल्कुल ऐसी जगह ना हो जहाँ पर बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी उड़ रही हो, मतलब रेगिस्तान जैसा इलाका हो तो वहाँ पर नहीं काम नहीं करेगा, ऐसी बहुत सारी कंडीशन होती है, ठीक है। और लास्ट जो वन ऑप्शन होता है कि हमारे मोटर की जो वाइंडिंग वीक हो जाती है या उसके बेरिंग ख़राब होते हैं, जब भी हमारी मशीन जो है धीमी चलती है, ख़ास तौर से बेरिंग भी जो है कई बार जाम हो जाते हैं, जिस वजह से भी हमारी मशीन जो है धीमी चलती है। बेसिकली यही कारण होता है जिस वजह से हमारी मशीन जो है धीमे चलती है। मैंने आपको सारे कंडीशन बता दिए हैं, अब आइए मैं आपको इस वीडियो में आगे की कंडीशन बताऊँ, अभी इस में हमारे साथ क्या हो रखा है, ठीक है। जैसे ही हम इस मशीन को देखो जो चालू करते हैं, तो देखिए हमारी मोटर जो है बिल्कुल धीमे घूम रही है, ठीक है, अभी हमने देख रहे हैं बिल्कुल धीमे घूम रही है। ये कैमरे के कारण जो है हमें पंखा जो उल्टा घुमाई देगा, बाकी ये क्लॉकवाइज ही घूम रहा है, ये एंटी क्लॉक इसलिए घूम रहा है, कैमरे में इसका जो है रिफ्लेक्स दिखता है, ठीक है। ये हमारे पास एक डेजर्ट कूलर है, ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा एक डेजर्ट कूलर है। अब इसको जो है हमने अब हम पीछे की तरफ जाके इस पंखे को रोक के आपको मैं दिखाऊंगा। जैसे ही पंखे को मैं रोकता हूं तो हमारा पंखा हाथ से ही रुक जा रहा है। ये आप इस तरह की बिल्कुल भी हरकत ना करें, आपके हाथ में लग सकती है। देखिए दोस्तों, मैं जैसे ही पंखा पकड़ लिया है तो हमारे अंदर की मोटर की रॉड होती है धुरी होती है, ठीक है, जो शाफ्ट होती है वो घूम रही है, लेकिन हमारा पंखा नहीं घूम रहा है, क्योंकि जो पंखे के अंदर जो बुश लगा हुआ आता है वो जो है फ्री हो चुका है बिल्कुल भी, ठीक है, जिससे हमारी मोटर तो घूम रही है लेकिन जो है ये हमारा पंखा नहीं घूम पा रहा है। अब सिंपली हमें जो है इस पंखे को रिप्लेस कर देना है। अब हमें सिंपली एक बोल्ट लगा हुआ होता है पेचकस की सहायता से, आपको ये बोल्ट खोलना है, ठीक है दोस्तों। बोल्ट खोलने के बाद
आपको आगे की तरफ धक्का देना है, हमारा पंखा जो है बाहर आ जाएगा। इस तरह से आप पंखे को बाहर ले सकते हैं। अब बाहर लेने के बाद आपको बताता हूँ इसमें क्या ख़राबी है। ये देखिए दोस्तों, ये जो हमारा पंखे का हमने पर बाहर लिया, ये देखिए, ये बिल्कुल इसकी जो बीच वाली दूरी होती है, जो बुश होता है वह ख़राब हो चुका है। कई बार ये कंडीशन भी होती है, ठीक है। हो सकता है आपकी मशीन में अलग कंडीशन हो, कोई अलग फ़ैन लगा हुआ, तो डिपेंड करता है आपके मशीन में कौन सा जो है लगा हुआ है फ़ैन। आई होप दोस्तों आपको चीज़ें में आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।